तो आज का टॉपिक है आज सुबह के उनकी दिल की बातें। ठीक है, कर रीडिंग और हमारे सामने हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स। ओके, हमने लिए हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यानी कि 2 टैरो और यहाँ पे है 2 ओरेकल। इसके साथ हम करने वाले हैं रीडिंग की शुरुआत। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। ऐसे ढेर सारे वीडियोस हम लाते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम सीधा टैरो की तरफ रुख और देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या बतलाते हैं। आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हो कि आपको क्या लगा, क्या कार्ड आ सकता है, क्या मीनिंग यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ शफलिंग एंड यहाँ पे मैंने लिया है ये टैरो। ठीक है, चलो देखते हैं कार्ड्स हमें क्या मिलते हैं। पहला कार्ड ठीक है, दूसरा कार्ड चलो आ गया, कुछ और कार्ड भी हम देखते हैं। देखो तीसरा कार्ड, ओके वाओ, इस कार्ड ने तो लिटरली जंप कर दिया है। तो ये लिया मैंने कार्ड, ओके और हम कुछ कार्ड लेते हैं यहाँ पे बेसिकली। यस, ये कार्ड आ गया एंड 1 और 2 कार्ड हम ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं वो कार्ड्स कौन से आते है। ये 1 और ये फाइनली ये कार्ड चला गया अंदर तो हमने ये ले लिया। ठीक है, चलो तो पहले हम देखते हैं कि कार्ड्स कौन से आ गए हैं। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे पहला कार्ड आ गया है स्ट्रेंथ, फिर आ गया है यहाँ पे जजमेंट, फिर आ गया है यहाँ पे द एम्प्रेस, यहाँ पे है 3 ऑफ वांड्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स मोड में एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। ठीक है, तो कार्ड जैसे आ गए हम उसी को वैसे ही ले रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स। देखो पहला ही कार्ड जो हमें मिला है वो है स्ट्रेंथ एंड आई थिंक इस व्यक्ति के लिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना कि ये आपके ऊपर कितना निर्भर है। अगर आप इनके साथ होते हो तो इनको कितनी ताकत मिलती है, ये आपके ऊपर कितना डिपेंडेंट है एंड आप उसे कितना पावरफुल बनाते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि क्या सच में ये पर्सन वो कर दिखा सकता है जो कि आपने कभी इमेजिन किया था इनके साथ, तो हाँ ये वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका 100% इनको सपोर्ट देना। ठीक है, देखो इनका कहना है कि मैं आपके लिए वो सब कर सकता हूँ जो आपने कभी चाहा था, बस आपको मुझे सपोर्ट करते रहना है। ठीक है, तो आई थिंक आप इस बात से जान सकोगे कि हाँ अगर आप बार बार इनसे सवाल पूछ रहे हो तो ये सही नहीं है, और अगर आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो वो भी थोड़ा सा गलत है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बेसिकली आ रही है। देखो जजमेंट क्यों आ गया यहाँ पे, बिकॉज हमारे हिसाब से ना अगर आप ऐसे मुश्किल हालात से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको एक कड़ा फैसला लेना हो, लाइक फैमिली प्रेशर के वजह से या फिर आपकी अपनी जॉब की वजह से, तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको जो भी फैसला लेना है यू आर वेलकम। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना एंड दोनों साइड के बारे में सोच के ही फैसला लेना। ये नहीं कि आपने अपना मन बनाया और आपने फैसला ले लिया, आप अकेले आप रो रहे हो या फिर अकेले आप परेशान हो, नहीं, ये भी आपके साथ परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ये उनकी बात यहाँ पे आती है एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। देखो कह रहे कि ये आपसे जुदा नहीं है, आप जिस भी चीज से गुजर रहे हो ये भी उसी चीज को फॉलो और फील कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके दिल जुड़ चुके हैं, ये उनका कहना है। हालांकि अगर आपने इसको अपने भूतकाल में ही जमा दिया है और आपको लग रहा है क्या ये अपने भूतकाल से वापस आ सकता है, तो हाँ पॉसिबिलिटी तो बन सकती है। देखो यहाँ पे एक जो कार्ड आ गया है वो है दी एम्प्रेस, तो हाँ यहाँ पे ये पर्सन आपको और ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है कि कैसे भी करके आपको अट्रैक्ट करे, आपको बता दे कि ये आज भी कितना ज़्यादा हसीन है, ये कितने ज़्यादा मतलब दमखम रखते हैं एंड कितने लोग इनके ऊपर फिदा होते हैं। ठीक है, ये बात आती है यहाँ पे, बट इनका दिल आपके लिए धड़कता है। अब आप जानिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप इस बात को अग्री करते हो। ठीक है, सेकेंडली अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सही बात है तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी भी है इस रिश्ते में तो उसका मेन रोल क्या है। ठीक है, अगर हम सिर्फ इनके बारे में देखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है या फिर ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं।
आई थिंक आपको भी कोई क्लियर आइडिया नहीं हो सकता और इनको भी शायद कोई क्लियर आइडिया नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक अगर आप इसी मोमेंटम में हो कि हाँ कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तो आपको क्लियर आंसर नहीं मिलने वाला। जैसा कि यहाँ पे इस पर्सन को हम देख रहे हैं, वो बस ढूंढ रहा है कि ये मुझे जवाब कब मिलेंगे, और शायद वो जवाब इनको या तो कभी मिलेंगे नहीं, या तो वो जवाब कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। यानी कि भाई एक तो आपको आमने सामने आके इनसे बातचीत करनी है, इनसे वार्तालाप करना है, तो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। इनके लिए कहना इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आप एक दूसरे के सामने अपनी दिल की बात नहीं रखते, आप नहीं जान पाओगे कि एग्जैक्टली दिल में क्या चल रहा है, कि क्या सच है क्या झूठ है। वरना तो कई लोग जो है वो सिर्फ गॉसिप करते ही रहते हैं, ठीक है। तो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह सीधी बात करना, ये आपसे सीधी बात करना चाहते कि बस आओ और बात करो, जो भी आपको लग रहा है ना कि ये है वो है, सीधे आप मुझसे सवाल करो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। आपने किसी और से पूछा, किसी और ने आपको जवाब दे दिया, आपकी तरफ से किसी और ने इनको जवाब दे दिया, इससे क्या होगा ना, परिस्थिति जो है वो और बिगड़ जाएगी, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। बिकॉज इनके लिए ना आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो और आपका कद बहुत ऊंचा है, ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है एट ऑफ सॉर्ड्स, ये बेसिकली कह रहा है कि हमें ना किसी ऐसे मुश्किल हालात में नहीं रहना है कि आप मेरे बारे में सोचते रहे और फिर तड़प रहे हो, या फिर मैं आपके बारे में तड़प रहा हूँ, नहीं। ये कह रहा है कि अगर आपको मूव ऑन होना है इनके बिना भी तो भी ठीक है, बट चीज़ें क्लियर करो कि हाँ मैं मूव ऑन हो चुका हूँ या मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ। सिमिलरली आप इनसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आज भी आपको कोई सवाल है, कोई शंका है मन में, आप इनसे पूछ सकते हो, और अगर ये सीधे मुंह जवाब देते हैं, यानी कि एट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, कि भाई ना तो वो आपको पिंजरे में बंद कर रहे हैं कि भाई चावी लेके खुद चले गए, नहीं, ये कह रहे हैं कि चलो मैं आपको एक अच्छा और सीधा जवाब दे पाऊंगा। अगर आप दोनों एक दूसरे को जवाब दे पाते हो, यानी कि भाई कहीं कोई हमें मुश्किल हालात नहीं दिख रहे हैं, आप डायरेक्टली इसका सामना कर सकते हो। ओके, अगला जो कार्ड यहाँ पे आ गया है, देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड, एंड बेसिक जो बात यहाँ पे आती है कि इमोशनली ना ये पर्सन आपसे रूबरू होना चाहता है। अगर इसको लगता है कि हाँ आज भी आप उनके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचते हो जैसा कि आप पहले सोचते आया हो, यानी कि आप में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये इनका कहना अभी आ रहा है, ठीक है। अगर हम देखते हैं इस टैरो से कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, चलो पहला ही कार्ड जो आ चुका है यहाँ पे, ये है फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो जब आप इनके साथ नहीं होते, या फिर जब इनकी बातें जो हैं वो सुलझती नहीं है, तो इनको गुस्सा आता है, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, और बस हर किसी से सवाल पूछते हैं कि भी मुझे खुशियाँ कब मिलेंगी, ठीक है। देखो ये ऐसा नहीं चाहते कि भाई इन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, या अगर एक दिन पहले आपसे बात करते तो चीज़ें बदल जाती। ये चाहता है कि आपके मन में जो भी हो ना आप डायरेक्टली इनसे कहो, और ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं इन्होंने वो सिचुएशन लूज कर दी है। देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में, भाई इनका कहना है कि गलती नहीं होनी चाहिए, और ये नहीं कि गलत समय पर आके आपसे बात कर रहे हैं, मे बी अब आप मूव ऑन हो चुके हो और अब ये मुसीबत आन पड़ी है, या फिर ये आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं या फिर बढ़ना चाहते हैं बट चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे अंदाज बांधना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनके लिहाज से, कि आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो या फिर अभी आपकी सिचुएशन क्या है। देखो यहाँ पे है दी टावर रिवर्स्ड, एंड सिंपल बात ये कह रहा है कि इनको ना आपके साथ खुशियाँ पानी है, ये नहीं कि भाई आप भी सैड हो और ये पर्सन भी सैड है, ये बात यहाँ पे हम कह सकते हैं। कुछ और कार्ड जो यहाँ पे आ गए हैं, देखो यहाँ पे है फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके भाई ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आप बात करें, फिर आपको जहाँ पे भी मिलना है इनसे, चाहे आपके पसंदीदा जगह पे या फिर आप किसी पानी वाली जगह पे, लाइक कोई तालाब हो, ठीक है, या कोई बीच हो, आप वहाँ पे इनसे मिलना चाहते हो, जो भी आपके मन में है कि भाई फाइनली मैंने अपने सवाल इनके सामने रख दिए और अभी आपके सवालों के जवाब देने के लिए रेडी है, ठीक। देखो ये जो चाहते हैं वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कि अगर
प्रैक्टिकली भी कुछ चीज़ें मैच नहीं हो रही है ना, तो एटलीस्ट ऐसा क्या हो गया ये वो जानना चाहते हैं एंड आपको बताना चाहते हैं कि देखो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से इस रिश्ते में क्या हो सकता है और क्या नहीं। देखिए इनका बस सिंपल इतना ही कहना है कि हमें दोस्ती निभानी है, ये नहीं कि पीठ पीछे कुछ चीज़ें अलग हो रही है और लोग हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रहे हैं या फिर आपके कान भर और मेरे भी कान भर रहे हैं। सीधे मुंह अगर आप दोनों ने बात की तो आपको समझ में आएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा, या फिर कोई झूठा था ही नहीं या फिर हर जगह बस झूठ फैला हुआ है ना। तो किसके ऊपर विश्वास करें ना करें आप मिलके तय कर सकते हैं। इनके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है द वर्ल्ड की एनर्जी, मतलब देखो आपकी दुनिया जो है वो किसी भी गलत डिसीजन से बिखर सकती है, तो ऐसा वो नहीं होना चाहते। या फिर फिलहाल में शायद आपने किसी गलत व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर दिया है, ऐसा उनका कहना है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो कि हमें मिला है फॉर्चून कुकीज, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, देखो सिंपल सी बात है, ये है अपॉर्चुनिटीज। ओके इनका कहना है कि भी एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बस उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करो। आपको बस बोलना है कि आप एक दूसरे के बारे में फील क्या कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि ये पर्सन बदल गए हैं, अगर हाँ तो किस हद तक बदल गए हैं, ये भी वो जानना चाहते हैं, मतलब आपकी सोच किस हद तक आगे बढ़ चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि भी आप एक दूसरे से छुपा रहे हो तो ये चाहते कि ऐसा मत करो, सीधी सीधी बात करो जो भी हो, ताकि आप दोनों ना एक अच्छा डिसीजन ले पाए। इनके लिए आज भी आप दोनों की लव लाइफ मैटर करती है, ये आपको आज भी भूले नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमें नेक्स्ट ओरेकल की, तो देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू विथ यू, आपके साथ कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, आपको भूले नहीं है, ठीक है। ये बस आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पहले आप कैसे मिलते थे, पहले खुशियाँ कैसे आती थी, पहले आपके चेहरे में मुस्कान कैसी थी, अभी वो मुस्कान कहाँ है, और अगर अभी वो मुस्कान नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर आप इनको जिम्मेवार ठहरा रहे हो तो क्यों, क्या ये सच है या फिर ये बस एक छलावा है कि आप दोनों को भी रियलिटी नहीं पता है ना। देखो ये कह रहे कि आप जब तक मेरे जिंदगी में थे या फिर आज भी है तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज आपकी वजह से एक नया मोमेंटम मुझे मिल गया, एक नई जिंदगी जीनी मैंने शुरू कर दी। तो हाँ ये आपकी तरफ पॉजिटिवली देखते हैं, ये उनका कहना है। बस जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी इस वक्त वो आपसे बात कर पाए, ये नहीं कि आपसे दूर हो जाए और आप इनके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दो, ऐसा वो नहीं चाहते। उनके लिए जो सच सही सपना है वो ये है कि हाँ आपने मेरे बारे में जो सोचा था मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, मतलब जो आपने पहले तर्क लगाया था कि तुम मेहनती हो, तुम बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो या फिर दिल से डिसीजन लेते हो, तो हाँ ये कुछ हद तक वैसी है। तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या ये बदल गए हैं, नहीं बदल गए, या फिर जो भी अभी लोग इनके बारे में बोल रहे हैं वो बस एक झूठ है, दिखावा है, ये सारी बातें आपके साथ वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये था अभी सुबह के लिए एनर्जी अपडेट, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।